हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट किया जाए। सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी लाइव आ जाइए। और बाबू, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। अब तो चलिए, अब शुरू किया जाता है। अब शुरू किया जा रहा है रीजनिंग टेस्ट सीरीज। हम लोग देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज में, देखेंगे आज रीजनिंग टेस्ट सीरीज में हम लोग आज देखेंगे टेस्ट नंबर 47। टेस्ट नंबर 47 है। तो एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए बाबू, बहुत ही जल्दी जो है कैरियर ब्रिज का ऐप भी आ रहा है। बहुत ही जल्द कैरियर ब्रिज का ऐप भी आ रहा है और आप लोग का क्लास जो है अब बाबू ऐप के माध्यम से होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द 2 4 3 5 दिन के अंदर जो है कैरियर ब्रिज का ऐप आ जाएगा। चलिए, उसका और ज्यादा जानकारी हम जब ऐप आ जाएगा उसके बाद देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज में। रीजनिंग टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और ये पहला क्वेश्चन जो बाबू दिया गया है इसको चलिए बनाइए। इसको आप लोगों को बनाना है कि आसमान का रंग कैसा है, आसमान का रंग कैसा है आपको बनाना है। तो जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो आप चूंकि जानते हैं कि साफ आकाश का रंग क्या होगा ये आपको बताना है। चूंकि आपको ये चीज मालूम है कि साफ आकाश जो होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। साफ आकाश जब साफ रहता है तो वह नीला रंग का दिखाई देता है। तो जब बाबू आसमान साफ रहता है तो वह नीला रंग का दिखाई देता है। तो अब आप अपने प्रश्न में देखिए कि नीला को यानी कि ब्लू को, नीला को क्या कहा जा रहा है? तो ब्लू का अर्थ है हरा। ब्लू का अर्थ क्या है? हरा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि हरा। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन ए, यानी कि हरा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हरा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए आप लोग। इसका क्या आंसर आना है जल्दी जल्दी बनाइए, फास्टली, एकदम फास्ट 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 बनाइए। फास्टली आपको बनाना है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए, बनाइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए जल्दी से। तो प्रश्न में लिख रहा है कि लीव्स का कोड क्या होगा, लीव्स का कोड क्या होगा। देखिए इसमें लीव्स का कोड क्या होगा। हर्ष कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुरुजी प्रणाम। रणधीर कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। बंटी कुमार लखीसराय से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सुनील कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। छोटन कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सुनील कुमार गुड मॉर्निंग सर। रेशम कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुनील बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। हरी शंकर प्रसाद बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, सुपौल से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुनील कुमार बोल रहे हैं वेन डायग्राम में ये आया क्वेश्चन दीजिए। बाबू वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है वो देते ही हैं और आप लोग इस कैरियर ब्रिज पर जो है आप देख सकते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन बाबू। उसका मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पढ़ाया हुआ है। आप वहां पर देख सकते हैं वेन डायग्राम पूरा का पूरा 0 to 0 लेवल, सारा का सारा पैटर्न जो NTPC 2016 2016 का जो क्वेश्चन है उसको हमने बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया है, जो कि 0 लेवल से यानी कि इजी क्वेश्चन से लेकर के बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन उसमें दिया गया है। ठीक है, वो आप वहां से देख लीजिए सुनील कुमार। चलिए गुड मॉर्निंग सर, अमित मौर्या बोल रहे हैं, अनुप यादव बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। रेशम कुमार बोल रहे हैं फ्री वाला खत्म सर। नहीं बाबू, फ्री वाला खत्म नहीं हो रहा है, फ्री वाला बात नहीं कर रहे कि फ्री वाला खत्म हो रहा। मैंने बोला कि ऐप पर क्लास अब आएगा 4 5 दिन के अंदर, और ऐप पर ही जो है कोर्स भी लागू करेंगे, कोर्स भी लागू करेंगे और फ्री वाला भी चलता रहेगा और कोर्स भी चलेगा, दोनों चलेगा उसमें।
हरिशंकर प्रसाद बोल रहे हैं ऑप्शन ए, अमित मौर्या बोल रहे हैं ऑप्शन ए सबसे पहले। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का, तो लीव्स का कोड दो नंबर क्वेश्चन, लीव्स का कोड कौन सा क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए लीव्स आर ग्रीन, यहां लिखा हुआ लीव्स आर ग्रीन लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए लीव्स और किसी दूसरे स्थान पर है क्या, लीव्स और किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी कि उसका आंसर हो सकता है क्या सब चीज, फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है और सेवन हो सकता है। क्या हमारे प्रश्न में फोर है, तो है सिक्स है सेवन है लेकिन फाइव है, फाइव तो आंसर कभी भी नहीं होगा, तो फाइव यहां पर खत्म हो गया। अब क्या बचा, लीव्स आर ग्रीन, तो अब आप यहां देखिए ग्रीन जब यहां पर है तो सिंपल सी बात है कि उसका कोड भी मिलेगा, तो फोर और फोर दोनों जगह मिल रहा है, फोर और फोर दोनों जगह मिल रहा है। जब लीव्स, जब बाबू लीव्स किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा, जब लीव्स किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि फोर लिखा है, फोर लिखा तो फोर आंसर नहीं हो सकता। सिक्स और सेवन का हम अगर बात कर लें तो हम यहां देख रहे हैं कि सिक्स लिखा गया है, यहां पर भी सिक्स लिखा गया तो सिक्स भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा क्या सेवन, ऑप्शन हो जाएगा इसका दो नंबर, आंसर हो जाएगा सेवन, ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 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 बी। अमित मौर्या बोल रहे हैं टू का भी, अमित मौर्या बोल रहे हैं सेवन, गुड मॉर्निंग सर। निरंजन कुमार बोल रहे गुड मॉर्निंग सर। अनूप यादव बोल रहे टू का भी, रेशम कुमार बोल रहे बी, हर्ष यादव बोल रहे बी। चलिए आगे बढ़ जाए क्वेश्चन में हम लोग, थ्री नंबर क्वेश्चन हमारे पास, तीन नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, तो चलिए इस तीन नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तीन नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, TPDN बराबर 27 लिखा गया है, TPDN बराबर 27 लिखा गया है, तो चलिए इसको बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को, थ्री नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, थ्री नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। TPDN तो देखिए टी का पोजिशन बाबू 20, पी का पोजिशन बाबू हो जाता है 16, डी का पोजीशन हो जाता है 4 और एन का पोजीशन हो जाता है बाबू 14। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लिखा है देखिए, 16 और 4 हो गया 20 और 20 हो गया कितना 40, 40 और 14 हो गया कितना 54, और 54 में जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन दो नंबर, यानी कि 27 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 27 ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें क्या लिख रहा है ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें और एक गलती इसमें हो गया बाबू, ये हमने हाँ एक गलती हो गया, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये बाबू TPDN का कोड दिया गया 27, TPDN का कोड दिया गया 27, यहाँ RLVT का कोड हमको ढूंढना था, हमने उसको देखा ही नहीं, RLVT का कोड ढूंढना था, यानी कि 18 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 20, इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ देते तो हो जाता कितना 60 और 10 70 और 2 72, यानी कि 72, इन सभी को जोड़ने पर होता है 72, डिवाइडेड 2 कर देंगे हो जाएगा कितना तो 36, आंसर हो जाएगा कितना 36, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन चार नंबर, ऑप्शन डी, 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 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे हम लोग, इसमें क्या जा रहा है ध्यान से देखते हैं। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन जो दिया गया वो ध्यान से देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें और इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभक्त करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें, तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में जब आपको बाबू लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को जब आपको उल्टा क्रम में लिखना है
तो वो हो जाता जेड से ए, हो जाता क्या जेड से, उल्टे क्रम में लिखें। इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें मतलब जेड, जेड को रखना है और यहां पर दूसरा अक्षर क्या हो गया तो वाई, वाई को यहां से निकाल देना, वाई महाराज हट जाओ, एक्स रहेगा यानी कि जेड रहेगा एक्स रहेगा, एक्स के बाद क्या होगा डब्ल्यू हटेगा और भी रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि जितने भी इवन नंबर पोजीशन वाले लेटर हैं वह सभी रहेंगे, इवन नंबर पोजीशन वाले लेटर रहेंगे और ऑड नंबर पोजीशन वाले लेटर चले जाएंगे, इवन नंबर पोजीशन वाले लेटर रहेंगे और ऑड नंबर पोजीशन वाले लेटर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको जेड एक्स भी के बाद हो जाएगा टी आर, यहाँ पर पी, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, तो पी के बाद हो जाएगा एन, एन के बाद हो जाएगा एल, एल के बाद यहाँ हो जाएगा जे, जे के बाद एच, एच के बाद हो जाएगा आपको एफ, एफ के बाद हो जाएगा डी, डी के बाद बी। ये हो गया टोटल का टोटल 13 लेटर। अब इसमें आप देखिए क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो लिखा जा रहा है तो ज्ञात करें और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला के दो समान भागों में विभक्त करती है। दो समान भागों में विभक्त करने का मतलब ये पांच उंगली, ये आप देख रहे हैं ना, पांच फिंगर है, पांच उंगली। इसमें देखिए ये वाला जो बीच वाला है इसको दो अलग अलग भागों में विभक्त कर देगा। ये लीजिए, ये हमने इधर दो किया, इधर हमने दो किया, ये बीच में बच गया एक, ये मैंने दो रखा, ये मैंने दो रखा, बीच में बच गया ये वाला एक। तो यहां पर बाबू यही बात कह रहा है, ठीक है, यहां पर बाबू यही कह रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, दो दो समान भागों में, तो ये हो गया 13 लेटर, ये हो गया कितना 13 लेटर, तो 13 लेटर में 6 इधर एक बीच में और फिर 6 इधर, तभी ना होगा 13 लेटर। तो ये देखिए हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा एन, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन और ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर एन। अमित बोरिया बोल रहे हैं 3 का आंसर 36, बहुत अच्छा। विक्की कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। निरंजन कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन डी। हर्ष यादव बोल रहे हैं 4 का सी। रणधीर कुमार बोल रहे हैं 4 का सी। विक्की कुमार बोल रहे हैं 4 का सी। इसके बाद अनूप यादव बोल रहे हैं 4 का सी। अमित मौर्या बोल रहे हैं 9 एन। निरंजन कुमार बोल रहे हैं 4 का सी। रेशम कुमार बोल रहे हैं बाबू 4 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है फाइव। चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। लिख रहा है कि चार मित्र ताश खेल रहे हैं, चार मित्र ताश खेल रहे हैं। तो ये लीजिए ताश खेलने के लिए, ताश बाबू खेलने के लिए सिचुएशन ये हो जाता है। ठीक है, चार आदमी ताश खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, वो लोग का मन है तो खेलेगा अपना, क्या करेगा। तो चार आदमी ताश खेल रहे हैं, ठीक है, हो गया, अब खेल रहा था, अब क्या करें हम। संदीप मनीष के दाएं और मोहित रोहित के बाएं, तो निम्नलिखित में कौन आपस में जोड़ीदार, आपस में जोड़ा, आपस में साथी है। देखिए संदीप मनीष के दाएं, तो मनीष यहां लिखा मैंने, और मनीष के दाया जिधर आपका दाहिना हाथ, जिधर आपका दाहिना हाथ वो दाएं और जिधर आपका बायां हाथ वो बाएं। ये देखिए दाहिना हाथ और ये देखिए बायां हाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है क्या चीज। तो चार मित्र ताश खेल रहे थे, चार मित्र ताश खेल रहे बाबू। तो जैसे ही चार मित्र ताश खेल रहे हैं तो सबसे पहला सिचुएशन आएगा, चारों का चारों मित्र आ जाए। ये लीजिए ताश खेल रहे हैं चार मित्र, तो 1 2 और ये 3 और ये हो गया बाबू 4। ठीक है, तो चार मित्र ताश खेल रहे हैं। अब इसमें कहा गया क्या, ध्यान से देखिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि चार मित्र ताश खेल रहे हैं, संदीप मनीष के दाईं ओर है, संदीप जो है मनीष के दाईं ओर, मनीष के दाईं ओर कौन है, तो संदीप है, संदीप मनीष के दाईं ओर है। इसके बाद लिखा हुआ है मोहित रोहित के बाएं है, मोहित, मोहित कहाँ है, तो रोहित के दाएं है, रोहित के दाएं, तो यहां पर रोहित हो जाएगा, रोहित के दाएं है। तो सिचुएशन होता क्या है कि वैसे आपका जो दाहिना हाथ है, आपका जो दाहिना हाथ है वो बाबू आपके दाएं, और आपका जो बायां हाथ है वो आपके
बाएं, तो वही सिचुएशन यहां भी रखा जाता है कि जो दाहिना हाथ है वो हो गया दाएं, जो दाहिना हाथ है वो हो गया दाएं, और जो आपका बायां हाथ है वो हो जाता है यहां पर बाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है, आपस में कौन सा जोड़ा साथी है, तो देखिए मनीष और मोहित आपस में क्या है, साथी है, तो मनीष और मोहित आपस में साथी है, यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर से 8 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। हाँ जी, तो 6 नंबर से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए लिख रहा है क्या चीज, कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे, 6 व्यक्ति खेल रहा है अभी, तो कितना है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, ये होगा 6 व्यक्ति ताश खेल रहे, ये हो जाएगा इधर से क्या, तो दाएं, जब ताश खेलते हैं तो सभी का चेहरा अंदर की ओर होता है, और ये हो जाएगा बाबू यहां पर क्या, तो बाएं। ठीक है, तो ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया। तो अब यहां पर सवाल है हमारे पास कि विजय सुधीर के बाएं है, विजय जो है सुधीर के बाएं, तो विजय सुधीर के बाएं, सुधीर के बाएं, तो ये लीजिए यहां पर विजय, विजय सुधीर के बाएं है, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और राकेश और सौरभ के बीच में है, तो यहां तो खत्म कहानी, यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी, तो हमको लगता है कि हमने सुधीर लिख करके कुछ गलती कर दिया है, सुधीर लिख करके हमको लग रहा है कि हमने कुछ गलती कर दिया है, इसीलिए इसको यहां से बाबू हटा दिया जाए। चलिए चलिए फिर से शुरू किया जाए, तो प्रश्न में लिख रहा है कि विजय सुधीर के बाएं, अमर राकेश और सौरभ के बीच में, नीरव अमर के बाएं और दूसरे स्थान पर, नीरव जो है अमर के बाएं, अमर के बाएं पहला, अमर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो नीरव मोदी, नीरव है। अब क्या बोला इसमें, नीरव अमर के बाएं और दूसरे स्थान पर, अब इधर से पहले देखिए, अमर राकेश और सौरभ के बीच में, अमर जो है राकेश और सौरभ, अमर जो है राकेश, यहां पर राकेश अगर आप दे देते हैं तो यहां पर आप सौरभ दे देंगे, और अगर यहां पर आप सौरभ देते, राकेश देते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सौरभ देंगे, यानी कि ये दोनों अपना स्थान एक दूसरे से बदल सकता है। इसके बाद है विजय सुधीर के बाएं है, विजय जो है सुधीर के बाएं, तो विजय सुधीर के बाएं हो गया। अब सिचुएशन है राकेश और सौरभ का क्या, तो क्या जानकारी हमारे पास है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुकर के वृत्ताकार ताश खेल रहे हैं, विजय सुधीर के बाएं है, विजय सुधीर के बाएं हमने कर दिया, राकेश अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, अमर जो राकेश और सौरभ के बीच में भी हो गया, नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नीरव जो है अमर के बाईं ओर पहला, अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इतना ही एडजस्टमेंट रहा, यानी कि सौरभ और राकेश एक दूसरे से अपना स्थान बदल सकता है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी नहीं दिया गया है, हम सौरभ और राकेश का स्थान फिक्स नहीं कर सकते, वह स्थान अथवा मिलेगा स्लैश मिलेगा या मिलेगा। तो विजय के दाई और दूसरे स्थान पर कौन है, तो विजय के दाई और पहला दूसरे स्थान पर नीरव है, आंसर हो जाएगा इसका नीरव, ऑप्शन एक नंबर। अमर और विजय के बीच में कौन है, तो अमर और विजय के बीच में देख लीजिए कौन है, सौरभ है, और नहीं तो राकेश है, क्योंकि राकेश और सौरभ तो एक दूसरे स्थान बदल सकता है, तो यहां पर सौरभ भी हो सकता है और राकेश भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सौरभ या राकेश, ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। इसके बाद है निम्नलिखित में से अमर का स्थान कौन सा है, कि निम्नलिखित में से नीरव का स्थान, सॉरी निम्नलिखित में नीरव से अमर का स्थान कौन सा है, तो नीरव से अमर का स्थान कौन सा है, हमको ये चीज देखना है, तो देखिए तो नीरव कहाँ गया भाई, तो नीरव यहां पर है, और अमर कहाँ पर है, तो अमर यहां पर है, तो देख लीजिए दाएं, अमर के नीरव के दाएं, नीरव के दाएं पहला, दाएं दूसरा, तो दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा है क्या, दाएं से दूसरा नहीं है,
कोई बात नहीं, बाएं से देख लीजिए, बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा, क्या बाएं से चौथा है? तो ये भी नहीं है, दाएं से दूसरा भी नहीं और बाएं से चौथा भी नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की एक कतार में शिबू बाएं से पांचवें स्थान पर और लखिया दाएं से छठे स्थान पर, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। शिबू बाएं से पांचवें स्थान पर, लखिया दाएं से छठे स्थान पर, शिबू एस लखिया एल है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो शिबू बाएं से 13वां, शिबू हो जाता बाएं से कितने नंबर पर, तो 13वां स्थान पर आ जाता। बताएं कि लखिया दाएं से किस स्थान पर है, तो देखिए हमने 5 में क्या किया, 5 से हमने 13 जाने के लिए प्लस 8 किया, तो यहां पर भी 6 से हम यहां जाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे, यानी कि 6 प्लस 8 हो जाएगा कितना, तो 14 यानी कि 14वां आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका डी, यानी कि 14 ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिख रहा है कि मदर को ओ क्यू भी जे जी टी लिखा जाता है, एम ओ टी एच ई आर, मदर को क्या लिखा गया, ओ क्यू भी जे जी और टी, एम और ओ, एम और ओ हुआ तो यानी कि प्लस 2 किया मैंने, ओ और क्यू प्लस 2 किया, टी और भी प्लस 2 किया, एच और जे प्लस 2 किया, ई और जी प्लस 2 किया, आर और टी प्लस 2 किया मैंने, तो सब में किया गया प्लस 2। तो उसी प्रकार से सिस्टर, तो सिस्टर के सभी लेटर के पोजीशन में हमको क्या करना, प्लस 2 कर देना है, सभी लेटर के पोजीशन में हमको प्लस 2 करते जाना है। तो यहां पर चलिए सिस्टर में प्लस 2 करते हैं, तो एस है, एस में प्लस 2 कीजिए तो यू हो जाता है, आई में प्लस 2 कीजिए तो के हो जाएगा, एस में प्लस 2 कीजिए तो यू हो जाएगा, टी में प्लस 2 कीजिए भी हो जाएगा, ई में प्लस 2 कीजिए तो जी हो जाएगा, और आर में प्लस 2 कीजिए तो टी हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बाबू डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसमें देखिए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, ठीक बाद में 9 नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए ऐसे कितने दो हैं तो यानी कि हमको ढूंढना क्या है, 82 ढूंढना, ये 82 मिल गया, ये देखिए यहां पर मिल रहा था लेकिन लास्ट में 9 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहां पर फिर देखिए 82 यहां भी हमको मिल गया, यानी कि कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के 2, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल के टोटल 2 हैं, 2 ऐसे स्थान है जहां पर 8 के बाद 2 है, 8 के 2 से पहले 8 है लेकिन बाद में 9 नहीं, ऐसे कुल 2। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके पास 12 नंबर लिख रहा है कि मोहन को गणित एवं अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, मोहन है जिसको कि गणित में और अंग्रेजी में टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए, आपको यह चीज बताना है। तो चलिए ये बताते हैं मोहन को गणित और अंग्रेजी में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसको बनाया कैसे जाए, तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 आवश्यक है, केवल 1, 3, 4, 5 आवश्यक है, उपर्युक्त सभी अनिवार्य है ये वाला, तो अब आप इसको चलिए बनाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि 1, राम को गणित में 60 अंक मिले, राम को गणित में 60 अंक मिले, शाहबाज को अंग्रेजी में 55, हमको ढूंढना क्या है, ढूंढना है कि मोहन को गणित में कितने अंक मिले, गणित एवं अंग्रेजी में कितने अंक मिले। ठीक है,
तो हम राम का गणित निकाल लिए, शहबाज का तब अंग्रेजी भी निकालना ही पड़ेगा। शहबाज को अंग्रेजी में मिल रहा 55, ई से इंग्लिश लिख दे रहे हैं, एम से मैथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। सोहन को अंग्रेजी में 35 अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि सोहन को यानी कि पास करने के लिए पास मार्क कितना चाहिए इंग्लिश में, तो पास करने के लिए चाहिए आपको 45 इसमें, तो इंग्लिश में तभी तो वो असफल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, 35 नंबर मिला और 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 10 नंबर और मिलता था तो वह पास कर जाता। मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले हैं, चलिए मोहन को जो है उत्तीर्ण होने वाले नंबर से 10 अंक अधिक मिले हैं, यानी कि 45-10, यानी कि कितना 45 + 10 = 55 अंक मिला है इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में मिला इसको 55। चलिए इसको राउंड करके रख लेते हैं हम लोग, आगे हमको काम देगा। इसके बाद क्या बोला वो देखिए ध्यान से, इसके बाद बाबू बोला है, लिखा क्या है देखिए, राम को गणित में जो अंक प्राप्त हुआ वह मोहन के गणित के प्राप्त अंक का 75% है, यानी कि राम को जो 60 नंबर प्राप्त हुआ है वो मोहन के अंकों का 75% है, कि व्हाट का 75% बराबर 60, व्हाट का 75% बराबर क्या चीज, तो 60। अब व्हाट का 75%, तो अब यहां पर आप कितना का 75% निकालिएगा, देख लीजिए आप ये चीज, तो व्हाट का 75% निकालना ना आपको, तो व्हाट का 75%, तो इसके लिए ये तो यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, तो सबसे पहला सिचुएशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें टफ हो जाएगा, एक मिनट वन मिनट, इसको दूसरे तरीके से देख लिया जाए। हाँ जी, तो हमको बोलना है गया कि राम को गणित में जो अंक प्राप्त हुआ है, राम को गणित में जो अंक प्राप्त हुआ है वह क्या है, तो मोहन के अंक का 75% है, यानी कि सीधा भाषा में 60 × 100/75, और इससे हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 80 नंबर उसको प्राप्त हुआ। तो चलिए ये 80 नंबर प्राप्त हुआ किसको, तो राम इसको मोहन को, और इधर 55 अंक प्राप्त हुआ इंग्लिश में, तो ये 80 और 55 हो जाता है कितना, तो 135 नंबर। क्या इसमें शहबाज नामक व्यक्ति का कोई भी इन्वॉल्विंग रहा, क्या शहबाज का कोई इन्वॉल्विंग रहा, कोई इन्वॉल्विंग नहीं है इसका, यानी कि ये वाला काम हमको नहीं करना था, इसको हम क्या कर देते हैं, तो बाबू इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हम चलिए यहां से हटा दिए। अब हमें जो जितना चीज है ये सारा से हमारा आंसर पता चल रहा है, यानी कि एक नंबर हमको जरूरी था, यानी कि तीन नंबर हमको जरूरी था, यानी कि चार नंबर हमको जरूरी था, यानी कि पांच नंबर हमको जरूरी था, यानी कि 1, 3, 4, 5 आवश्यक था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में देखिए क्या लिख रहा है, 13 में लिख रहा है कि जिस लिखना जिस प्रकार पेपर से, तो लिखना जिस प्रकार पेपर से हम लोग जो लिखते हैं वो पेपर पर लिखने का काम करते हैं, पेपर पर लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ कि लिखना का जिस प्रकार संबंध पेपर से है उसी प्रकार साफ करना, उसी प्रकार साफ, आप साफ क्या चीज को करते हैं, साफ करते आप सतह को, यानी कि फर्श को, यानी कि फलक को, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू फलक, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, सतह फलक साफ करते हैं, यानी कि फर्श को आप साफ करते हैं, इसीलिए फलक इसका आंसर होगा। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर में क्या लिख रहा है देखिए, यदि निम्नलिखित अंक श्रृंखला को आगे चलाया जाए तो अगले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा, यहां पर कौन सा अक्षर आएगा यह आपको बताना है। तो देखिए ए बी सी बीच में बचा डी, ई एफ जी बीच में बचा एच, आई जे के यहां पर बचा एल, एम एन ओ यहां पर बचा पी, क्यू आर एस तो यहां पर बचेगा टी, उसके बाद लिखेंगे यू अभी डब्लू,
UVW आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर, UVW आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2015 का, देखिए क्या लिख रहा है इसमें। 20 विद्यार्थियों की कक्षा में ए की श्रेणी ऊपर से 11वीं है, बी की श्रेणी नीचे से 5वीं है, ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 20 विद्यार्थियों की कक्षा में यहां 20 लिख दीजिए आप, ए की श्रेणी ऊपर से 11वीं, ए जो है ऊपर से 11वें स्थान पर है, बी की श्रेणी नीचे से 5वीं है, बी जो है नीचे से 5वें स्थान पर है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, 5वें स्थान पर है। ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी, देखिए ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी हमसे ये पूछ दिया, तो चलिए रूल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा बाबू, रूल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और रूल में थोड़ा सा बदलाव ये भी देख लीजिए आप लोग, इतना देख ही लिए हैं, इसको भी हटा दिया जाए, थोड़ा सा बदलाव करना है। टोटल बराबर, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर हो जाता है बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब आप देखिए, 5 और 11 16, इधर है 20, तो 16 20 में से 16 घटा दिए कितना, तो 4, यानी कि दोनों के बीच में कुल कितने हैं, तो 4 हैं। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट को ब्रैकेट में कर देना है, इससे आपका बीच में कुल कितने है वो आपको पता चल जाएगा। तो बस आपका आंसर होगा कितना, तो 4, यानी कि ऑप्शन ए। आज के लिए बाबू इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। और बाबू एक चीज आप लोगों को कह रहे हैं कि कैरियर ब्रिज का ऐप भी आने वाला है, बस 2-4-5 दिन में ऐप आ जाएगा, आप लोग उसके लिए ऐप पर फिर क्लास चलेगा, उस पर कुछ कोर्स भी चलेगा और कुछ फ्री क्लासेस भी चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद, जय हिंद।